हम नॉर्थ कोरिया की करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसे रॉकेट इंजन को टेस्ट किया है जिसका इस्तेमाल ज्योग्राफिकल स्टेशनरी सैटेलाइट में होता है, और इसकी खास बात यह भी है कि इस नए टेस्ट की अगुवाई तानाशाह किम जोंग उन ने खुद की है। दुनिया को तानाशाह की नई चुनौती, एक और टेस्ट से दिखाई ताकत। न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर एक नए टेस्ट से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस बार नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसे रॉकेट इंजन का टेस्ट किया है जिसका इस्तेमाल ज्योग्राफिकल स्टेशनरी सैटेलाइट में होता है। नॉर्थ कोरिया के इस नए टेस्ट की अगुवाई तानाशाह किम जोंग उन ने खुद की। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस टेस्ट का मकसद कंबशन चैम्बर, वॉल्व्स का सटीक ऑपरेशन, कंट्रोल सिस्टम और इंजन के स्ट्रक्चरल रिलेवेंटी की पुष्टि करना था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने इस रॉकेट इंजन टेस्ट को देख रहा है। ये टेस्ट नॉर्थ कोरिया के शो स्पेस सेंटर में किया गया। इस सफल टेस्ट के बाद किम जोंग उन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने अधिकारियों और वैज्ञानिकों से जल्द सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारियां शुरू करने को कहा। साथ ही सैटेलाइट डेवलपमेंट और अलग अलग इस्तेमाल के ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट को तैयार करने पर जोर देने को कहा। हमारे सम्मानित कॉमरेड किम जोंग उन ने सुहाई स्पेस सेंटर का दौरा किया और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कैरियर रॉकेट के लिए नए तरह के हाई पावर इंजन के ग्राउंड जेट टेस्ट का निर्देश दिया। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने 7 फरवरी को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कांग मायोंग सोंग 4 को लॉन्च किया था। इसी महीने 9 सितंबर को नॉर्थ कोरिया ने अपना 5वां न्यूक्लियर टेस्ट किया था। खबर है कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही अपना 6वां न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया अभी तक 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। नॉर्थ कोरिया के पास BM-25 मसूदन मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 2490 किलोमीटर और अधिकतम 4000 किलोमीटर है। यह मिसाइल अपने साथ 1000 से 1250 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल को BM-25, टैपोडोंग एक्स, रोडोंग बी और मिरिम नाम से भी जाना जाता है। यह सोयस संख्या R-27 ZSLBM की मॉडिफाइड कॉपी माना जाता है। अपने न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट से दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाले नॉर्थ कोरिया के रॉकेट इंजन टेस्ट से साफ हो गया है कि अब नॉर्थ कोरिया सैटेलाइट के मामले में भी दूसरे देशों को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। और यही बात दुनिया की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया 24/7।